आशिका बताइए क्या बता रहे चाहती हैं आप। टुडे इज आवर लास्ट डे एंड आज हम अक्षरधाम जा रहे हैं। बिफोर दैट वी आर गोना गो ईट ताई जी के घर पे। ए आई वांट टू शो एक दिन हमारे लिए जूस बनाया था खत्म। अच्छा काम आज लास्ट डे में टेस्टी खाना खाने का। अंकिता दी मैं तो सबसे लेट में रेडी हो रही हूँ। वो भी रेडी हो रही है गाइस उसको देखो सस्पेंस पर वो रेडी हो रही है अभी। और व्हाट डू यू हैव टू से। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बट खत्म हो गया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। नहीं अच्छी दिख रही है। बहुत बुरा लग रहा है कि लास्ट जब फिर नींस का खाना खाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अफसोस किस वाला बुरा। हाय दादी के घर वो लोग ब्रूनो वाले घर कैसा लग रहा है दोनों को। लेकिन अच्छा लग रहा है कि ब्रूनो सो रहा है इसलिए बहुत अच्छी युक्ति। क्या ये दोनों के कारण ब्रूनो सह रहा है गाइस। मैं ये बोलना चाहती हूँ बेचारा कमरे में बंद है उधर। मैं गई थी मुझे कोई डर नहीं लगा। ब्रूनो के पास अब मैं गई थी ब्रूनो के पास पूछो युक्ति क्योंकि मैं गई थी युक्ति मेरे को डर भी नहीं लगा ब्रूनो को। नहीं अंदर से डर लगा था मुझे पता है। अंदर से डर कौन बोला। मैं हाँ आप बोले से क्या रख लिया था बेचारे बच्चे को। ये डरी थी ना अंदर से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डरी। इनको लगा था मैंने इतना कोशिश किया सबका डर अंदर से तो इनको नहीं अंदर से इनको डर लगा था। बाहर से आशिका रोई थी डर तो इनको लगा था। और रो कौन रहा था आज को बताना चाहेगी। मी दिखा मी दिखाए कौन है वो मी ये रही जो ब्रूनो को देखने में रोई थी। और वो क्या कर रही है मेन फोकस है इसमें ब्रूनो मेरे से भी इतना बुरा है। या तो वो खुल को नहीं रहूंगी। ये देख वो तो छोड़ो आंटी ने क्या बोला था अंकिता दी आपको ब्रूनो को देखने के लिए। बोला था कि बाहर से डर मत दिखाना मुंह पे मत लाने देना। ये इतना डर गई थी ऐसे शक्करे बना रही थी। हाँ और आशिका आपने क्या शक्कर बनाया था बताना चाहेंगे। मैंने शक्कर ही नहीं बनाई था मुझे पता ही नहीं चला। सीधा रोने लगी। और ये डर के बाद भी आशिका को संभाल रही प्लीज मत रो कुछ नहीं। ये सबसे ज्यादा डर थी डॉग से। हाँ एंड ये संभाल रही थी उनको। अब वो एक्साइटेड थी मैं रो बनी थी ना मैं इस ऊपर नहीं इसको फेंकना चाहिए ना। ये बोलिए मुझे तो डर नहीं लगता मुझे तो डर नहीं लगता मुझसे वो छठी बड़ी है। झूठ बोल रहे दोनों को इग्नोर मार दो। अच्छा खाना दिखाते हैं थोड़ा इसको ऐसे ही खाओ पहले। नहीं उधर दे दो ना। मक्खन जो ज्यादा खाती हूँ ये रहा मक्खन। हाँ ये रहा मक्खन ये है छोले ये है भिंडी और ये मक्खन वाली मक्खन अभी खा रही हूँ मैंने और ये पराठा शुरू करो। और ये रहे खाते हुए लोग। कैसा लग रहा है खाने के बाद का रिव्यू चाहिए मुझे। और यहाँ पे राइस भी है गाइस। राइस मिला मुझे पराठा। बताइए कैसा लगा रिव प्लीज। ओके अंकिता दी कैसा लगा पूरा खो चुकी है खाने में वो। देख रहे हो दोनों के दोनों दादी मैं रोटी खा रही हूँ। इट्स ओके हमें आपसे मिलके अच्छी लगी। ताई जी से समथिंग मैं डाल दूंगी। ऑल आर वेरी 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 क्यूट एंड टू मच आप फोटो आया अभी वीडियो अभी अच्छे आया दादी जी। आ जाओ युक्ति भी आ जाओ फोटो भी ले लेते हैं हमारी भी है। उतरते समय अपनी निजी वस्तु जैसे साड़ी दुपट्टा
एक्साइटमेंट है गाइस, एक्साइटमेंट है मेरा. अन्य सामान ले जाना सख्त मना है. आप उन्हें सामान कक्षाधाम परिसर में आप अपने साथ केवल पानी की पारदर्शक बोतल, कमर बेल्ट, मनी पर्स, नगद तथा ज्वेलरी ही साथ ले जा सकते हैं. अक्षरधाम परिसर में तंबाकू, गुटखा, वेवी, अक्षरधाम, शराब आदि किसी भी प्रकार की व्यक्ति और किसी भी प्रकार की लेडीज पर्स, शोल्डर बैग कृपया तुरंत में जमा करें. सामान जमा करने के लिए परिवार का केवल एक सदस्य नौकरा में कतार में खड़ा रहे. अन्य नंबर दो का कतार का उपयोग करें. अक्षरधाम मंदिर में किसी भी प्रकार की नशीली चीजें और खाद्य पदार्थ ले जाना सख्त मना है. खत्म हो गया. बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, बट ठीक है सर. सोचो जिंदा वापस जा रही हो, ग्रेटफुल होना चाहिए इंसान को. ये मत डालना ना ये सब. गाइस मैं जिंदा ही थी चार दिन से, मजाक कर रहा हूं. वही तो ऐसा बड़ा समूह डाल बोलने की हालत में ही नहीं है कोई. इन्हीं का चैनल है, बोलने की हालत में नहीं है चैनल के. गाइस गर्ल्स ट्रिप एंडिंग और ये रहा ये कंडीशन. अरिशिका यही डालेंगे अब यूट्यूब में. रुको युक्ति, सबने ऐसा लगा ये रही बेचारी हमारी.